सती जो प्रथा है और जिसको सती प्रथा बोलते हैं, बेसिकली वो पाली से लिया गया शब्द है, उसको कुछ जहरीला बना दिया, उसको कुछ रूढ़िवादी परंपरा में औरत को मारने का, महिला को मारने का एक नियम बना दिया। सती प्रथा जो है वो है जो जागृत रहते हैं और जो अवेकन रहते हैं और जो सब तरह से देखते हैं कि पाप कर्म कहां से आ रहा है, कहां से नहीं जा रहा है। जो महिलाएं भी सती मंत्र हो सकती हैं और पुरुष भी सती मंत्र हो सकते हैं। दाना वीर में सिखा पदिंग स्मारियानी आदिन दाना वीर में सिखा पदिंग स्मारियानी अरहंत वग्गो धम्मपद 91 91 नंबर। ये राजगृह या राजगीर या राजगृह कि जो वेणु वन है, वेणु जो होते हैं वो बांस को बोलते हैं, यानी बांस का जो पेड़ होता है उसको वेणु बोलते हैं, और वेणु वन का मतलब है जहां बांस के बहुत सारे पेड़ हैं। मैंने उस ओरिजिनल वेणु वन की एक वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं टीम 22 पर। वहां की ये कथा है, वेणु वन में वर्षावास का कार्यक्रम चल रहा है। वर्षावास यानी कि वर्षा का वास, वर्षा के दौरान में जो 3 से लेकर 4 महीने तक सारा भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ एक जगह पर जो भी वो चुनता है वहां पर ठहरता है, और जहां जहां भी भिक्षु संघ होते हैं वो सब जगह ठहर जाते हैं, जहां जहां उनके आराम होते हैं। आराम का मतलब जैसे जैतवना आराम, यानी जैतवन का आराम, आराम माने बगिया बाग, तो वहां भिक्षु संघ ठहरा हुआ है, भगवान बुद्ध वहां है। जब पवारणा का समय आता है, पवारणा का मतलब है पवन की तरह धारण करना, यानी पवन को धारण करना, यानी चलायमान होना, चलना। तो जब चलने का समय आता है, घूमने का, विचरने का समय आता है, लोगों को पढ़ाने का समय आता है, तो वर्षावास के बाद में सारे भिक्खु जाते हैं। उससे 2 हफ्ते पहले भगवान बुद्ध सबको तैयार होने के लिए कहते हैं कि अपनी तैयारी शुरू करते हैं, अब पवारणा होने वाली है। पवारणा का मतलब हम अब चारिका पे, धम्म चारिका पे निकलने वाले हैं, अब हम धम्म सिखाने के लिए निकलेंगे सभी। तो सभी भिक्खु अपने अपने जो चीवर हैं उनको रिपेयर कर रहे हैं, सिल रहे हैं, या उनको धो रहे हैं, या उनको चमका रहे हैं, और अपनी अपनी जो साधना विपसना है उसको और ज़्यादा तेज कर रहे हैं। धम्म में जो संशय हैं, धम्म में जो डाउट्स हैं, धम्म में जो भी चीज़ उन्हें क्लियर करनी है, जो समझ में नहीं आई है, वो पूछ रहे हैं, एक दूसरे से ज्ञान बढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरह से सिखाना चाहिए, किस तरह से पढ़ाना चाहिए, वो प्रश्न वगैरह सब पूछ रहे हैं। अगर सामने वाला बच्चा हो तो उसको किस तरह से धर्म सिखाना है, महिला है तो किस तरह से सिखाना है, कोई धनवान है तो कैसे सिखाना है, किसी का मेंटल लेवल कम है, दिमागी रूप से अगर वो कमजोर है तो उसको कैसे सिखाना है, कोई बहुत बुद्धिमान है, दिमाग का बहुत तेज है तो उसे कैसे सिखाना है, कोई भिक्खु बनना चाहता है तो उससे कैसे व्यवहार करना है। 100 तरह की बातें और 100 तरह के व्यवहार सबकी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितने भी अनुमान है उसके हिसाब से अनुमानित चीजों का अभ्यास पहले ही कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, घर का काम। तो महा जो कश्यप हैं या महाकाश्यप या महाकाश्यप या महाकश्यप, कश्यप जो शे है शब्द, ये बाद में पाली में संस्कृत भाषा से लिया गया है, जोड़ा गया है, संस्कृत भाषा का शब्द है, पाली का नहीं है। तो इनको महाकश्यप बोलते हैं, महाकश्यप बाद में बोलते हैं, जो आप जो लोग कहते हैं कि कश्यप हैं, बेसिकली वो कश्यप हैं। तो महाकश्यप बहुत अच्छे भिक्खुओं में से माने जाते हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं वेणु वन में, यानी राजगृह में उनके हजारों शिष्य हैं, हजारों उनके उपासक उपासिका हैं जिनको वो धम्म सिखाते हैं और जिनको धम्म बताते हैं। तो उनको वहाँ जो पिंडपात है, यानी पिंड का पिंडदान की कोई दिक्कत वहाँ होती नहीं है, और बिहार के लिए सामान वो सारे उपासक उपासिका देते रहते हैं, तो बिहार उनका खूब भरा रहता है, कोई सामान नहीं, वो आगे भी उसमें बांटते रहते हैं, इतना अच्छा उनका बिहार में सामान आता रहता है। तो भिक्खु आपस में चर्चा करते हैं कि महाकश्यप तो जाएंगे नहीं, क्योंकि उनका तो यहाँ बहुत अच्छा शिष्यों का और उपासकों का एक झुंड है जिसको वो सिखाते हैं, उन्हें छोड़ के कहाँ जाएंगे। ऐसी बात चल रही होती है, उधर महाकश्यप भगवान के आदेश पे अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने चीवर वगैरह धो रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जब पवारणा का समय आता है और पवारणा को चलने के लिए बात होती है, तो अचानक भगवान बुद्ध को ये ध्यान आता है कि अरे ये जो वेणुवर हैं, ये पूरा पूरा जो विहार है ये तो खाली हो जाएगा, और यहाँ भी लोग आते हैं, और यहाँ पवारणा करने भी आते हैं, यहाँ उपोषित करने भी आते हैं, या उपवास के लिए भी आते हैं, या धम्म सीखने लिए भी आते हैं, तो वो खाली यहाँ से देखेंगे तो मायूस होकर जाएंगे, धम्म की हानि होगी, धम्म की क्षति होगी, तो यहाँ कोई ना कोई रहना चाहिए। तो वो पूरे ध्यान लगा के ये देखते हैं कि महाकश्यप यहाँ के लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो यहाँ से परिचित भी है। तो महाकश्यप को आदेश देते हैं कि आप यहीं रहेंगे, तो महाकश्यप कहते हैं जैसा ठीक है बनते।
तो भिक्षुओं में कानाफूसी होती है कि देखो हमने जो अनुमान लगाया था कि महाकाश्यप नहीं जाएंगे, महाकाश्यप ने यहीं रहेंगे, भगवान ने भी उनको कहा, शायद महाकाश्यप ने ऐसा कहा होगा कि मैं यहीं रहूंगा। भगवान बुद्ध के कानों में ये बात आती है, तब भगवान बुद्ध ये गाथा सभी भिक्षुओं को कहते हैं और उनको समझाते हैं। गाथा 91 नंबर। उयुंजंती, उयुंजंती का मतलब है उधम करता है या उधम करते हैं, प्रयास करते हैं, उधम में लगे रहते हैं। उयुंजंती, उयुंजंती सती मंतो ने निकेते रमंती। उयुंजंती का मतलब है प्रयास करते रहते हैं। सती मतो का मतलब है सतीमान। सती, सती जो प्रथा है और जिसको सती प्रथा बोलते हैं, बेसिकली वो पाली से लिया गया शब्द है, उसको कुछ जहरीला बना दिया, उसको कुछ रूढ़िवादी परंपरा में औरत को मारने का, महिला को मारने का एक नियम बना दिया। सती प्रथा जो है वो है जो जागृत रहते हैं और जो अवेकन रहते हैं और जो सब तरह से देखते हैं कि पाप कर्म कहां से आ रहा है, कहां से नहीं जा रहा है। जो महिलाएं भी सतीमंत हो सकती हैं और पुरुष भी सतीमंत हो सकते हैं, यानी कि जो उद्योगशील रहते हैं, जो लगातार सीखते रहते हैं, जागृत रहते हैं, अवेकन रहते हैं और हर उस क्रिया को समझते हैं कि इस क्रिया में, इस काम में कितना पाप कर्म है और कितना पुण्य कर्म है। जो जागृत लोग हैं सिर्फ वही अनुमान लगा सकते हैं कि जो काम सामने वाला कर रहा है या जो काम हम कर रहे हैं उसमें पाप कितना है और पुण्य कितना है। हर एक काम में पाप और पुण्य जुड़ा हुआ होता है, बोलने में, चालने में, करने में, वाणी से, काया से, मन से, पाप कर्म और पुण्य कर्म हर कार्य के साथ में लगे होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपके साथ आया और आपने आके कोई बात कही तो आपके मन में उसके प्रति जो जवाब जाता है वो पाप और पुण्य कर्म के साथ में जाता है। आप उसका भला करना चाहते हैं तो पाप हो गया, पुण्य कम हो गया, और आप उसका बुरा करना चाहते हैं तो पाप कर्म हो गया। और आप अगर नॉर्मल रहते हैं तो ना पाप कर्म है ना ये पुण्य कर्म है, जीरो बैलेंस रहेगा। इस तरह से हर एक जितने भी दुनिया में कार्य होते हैं उनके साथ में पाप और पुण्य जुड़ा हुआ होता है। तो सती मंतु यानी जो महिलाएं ऐसी हैं, जो सती महिला है या जो सती पुरुष है वो जानते हैं। आज के समय में सती को स्मृति करके बोला जाता है। स्मृति का मतलब मेमोरी, इसका मतलब मेमोरी नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप जागृत कितने हैं, आप सीख कितने गए, आप समझते कितना है। तो सती मंतो ऐसे होते हैं। बाद में जो महिलाएं, क्योंकि जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते थे, मर जाते थे, वो महिलाएं सती मंतो बन जाती थी, यानी भिक्षुणी बन जाती थी, भिक्षुणी संघ में चली जाती थी और वो ज्ञान को फैलाती थी। वो दूसरी शादी नहीं करती थी, करना है तो कर सकती हैं, मगर अधिकतर महिलाएं अपने पति के प्रेम से बिछड़ने के बाद में उनको समझ में आ जाता था कि दुनिया में कोई भी निच नहीं है, नित्य नहीं है, सब अनिच्च है, सब अनित्य है, सब इम्परमानेंट है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। और वो भगवान बुद्ध के धम्म में जागृत होके, सती मंत्र होके धम्म को फैलाती थी। बाद में महिलाओं को, क्योंकि ज्यादा पढ़ी लिखी हो गई, समझदार हो गई, तो ये प्रथा बनाया कि इन्हीं को खत्म किया जाए, तो उनको जलाने लगे, यानी जबरदस्ती उनको जलाने लगे। और इसको नाम भी क्या दिया, सती प्रथा। यानी जो इतनी भगवान बुद्ध की इतनी ऊंची जानकारी और ज्ञान की जो डिग्री थी उसको कलंकित करने के लिए सती नाम दे दिया, इसको सती प्रथा दे दिया। और वो औरत ज्ञानवान ना हो जाए और सबको ज्ञान ना सिखाए इसलिए उनको जलाना शुरू कर दिया। ये सती प्रथा की शुरुआत भगवान बुद्ध के बहुत बाद में जाके भिक्षुणियों को मारने के लिए, महिलाओं को मारने के लिए की गई। तो जो सती मंतु होता है यानी जो स्त्री या जो पुरुष होता है वो प्रयासरत रहता है, उधम रहता है, किसके, जागृत होने के। ने निकेते रमंती ते, ने निकेते, आपने निकेतन शब्द सुना होगा। निकेतन माने होता है निवास, घरों के आगे लिखा होगा जैसे राजू निकेतन, या यहाँ आपने देखा होगा प्रतिभा निकेतन, या देखा होगा सीमा निकेतन, या सियंस निकेतन, या अगर मेरे घर का नाम सुधीर रख दूं तो सुधीर निकेतन, यानी सुधीर का निवास स्थान। तो निकेतने, नए निकेतने का मतलब है घर से, घर के द्वारा नहीं। नए निकेतने रमंती ते, ते माने वे होता है, रमंती माने रमते हैं, यानी कि जो उद्योगशील होते हैं, जागृत लोग होते हैं, उन्हें घर से प्यार नहीं होता, वो घर में नहीं रमते, वो घर की दीवारों, जो दीवार है या उसका फर्नीचर है या उसका सामान है या उसका फर्श है या उसकी छत है, उसमें नहीं रमते, उनसे उन्हें कोई आसक्ति नहीं होती, उनसे कोई लगाव नहीं होता। वो जहां भी जाते हैं वो अपना जागृत रहते हैं, अपने ध्यान तपस्या, अपनी साधना विपस्सना करते हैं, चाहे वो कहीं जंगल में बैठे हैं, चाहे बिहार। बुद्ध यहाँ सिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो महाकाश्यप है ये धम्म में रत रहते हैं, इनको निवास में रत नहीं रहते, निवास से कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ रहे या हमारे साथ चले। जैसे हंसा वे पल्लंग हितवा ओक मोकंग जहंती ते,
हंसाव यानी हंसा एव, जैसे हंस जो होता है हंसा एव क्या करता है, पल्ललंग हितवा, पल्ललंग जो होता है वो छोटे तालाब को बोलते हैं, दलदली तालाब को बोलते हैं। तो छोटे तालाब को हितवा क्या मतलब है, अपना हित जानकर, अपना लाभ जानकर क्या करता है। ओक मोकंग जयंती ते, ओक मोकंग का मतलब है जैसे ये ओक हो गया, ओक माने होता है पानी और मोक माने होता है पानी में रहने वाले जलचर, उनका निवास, यानी कि वो अपने पानी में रहने वाले निवास को क्या करता है, जयंती ते छोड़ देता है, त्याग देता है, वे त्याग देते हैं। यानी कि जो हंस हैं वो अपना लाभ देखकर बारिश के दिनों में, क्योंकि बारिश के दिनों में जो छोटे तालाब होते हैं वो लबालब भर जाते हैं, उनमें हंस परेशान रहते हैं, उनमें मर भी सकते हैं, अपना लाभ देखकर वो उस तालाब को जिसमें वो 8 महीने 9 महीने बिताते हैं, जो उनका घर है निवास है, उसको वो छोड़ देते हैं। ठीक इसी तरह जो भिक्कू और भिक्कुणी अपना हित और अपना लाभ अपने धर्म में आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, वो निवास स्थान को छोड़ देते हैं या निवास स्थान से उनको कोई लेना देना नहीं है। यह है गाथा, कथा नंबर 91, अरहंत वक्की अरहत वक्की। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Kameshu Michchachara Virmani Sikkha Padam Smadhyami.